प्यार को ज़रूर दें, वो अभी आपकी वैल्यू नहीं समझते हैं, लेकिन आपकी बहुत बड़ी अहमियत है उनकी ज़िंदगी में, उनके माँ बाप से ज़्यादा अहमियत है, और आपको भी उनसे, आपके बच्चों से ज़्यादा प्यार होगा अपने नाती पोतों से, तो उस प्यार को उनके अंदर अच्छे संस्कार डाल के बढ़ाएं, बढ़ाते भी होंगे, और उनके तरीके से उनको उनकी बातों को समझाएं। यही आशा रखती हूँ, और आप सबके आशीर्वाद की विद्यालय को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका विद्यालय प्रांगण में दोबारा से स्वागत। धन्यवाद। नानी किसी भी परिवार का मजबूत बंधन होते हैं, वास्तव में वे भगवान का वरदान होते हैं। इसलिए मैं सभी दादा दादी नाना नानी को धन्यवाद देता हूँ, जो आप अपना अनमोल समय निकाल कर हमारे विद्यालय में आज आए हैं। पूरा बचपन ढका है जिनके प्यार में भरे खिलौने, जैसे मेले और बाजार में हर गलती में मेरा जो वकील बना होगा, मेरे दादा दादी नाना नानी उनके जैसा कौन कहा होगा। टुडे वी ऑल हैव गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट ग्रैंड पेरेंट्स डे। थ्रू दिस सेलिब्रेशन वी वांट टू टेल देम हाउ मच वी लव देम, हाउ मच वी वैल्यू देम एंड रिस्पेक्ट देम। It's a grandparents' day. It's a grandparents' day. We love our grandparents in a special way. Some handsome, some tall, some pretty, some small.
हम भी कतबले दामा ने सत्पगन सुत महात्म्य देखतम बदन की तुलना की हर मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित देव गौतम भू हां तो गाओ उत्तर होगा फिर हां बता दो मुझे यूं मुड़ मुड़ के तेरा मेरा साथ यहीं तक था ये तेरी जमीन तेरे खून से ही तो सजती सवरती है राज तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं तेरी हीर तो धरती है राजे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जाऊँ तेरी सी है दिल की तेरी नदियों में बह जावा तेरी खेतों में लहरा है मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौगंध सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी रहे होकर भी हमें प्यार देते हैं उनके होठों पर हमेशा दुआएं होती हैं ऐसा करने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं तू ही तो जन्नत मेरी तू ही मेरा जुनून तू ही तो मन्नत मेरी तू ही रूह का सुकून तू ही अखियों की ठंडक तू ही दिल की है दस्तक और कुछ ना जानूं मैं बस इतना ही जानूं भगवान हर कहीं नहीं हो सकते थे इसीलिए उन्होंने दादा और दादी को बनाया मेरे रब दिखता है यारा मैं क्या करूं सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं कुछ मेरे रब दिखता है यारा मैं क्या करूं दादा और दादी वो नहीं जिनसे रोज बात हो दादा दादी वो है जो भले ही हमसे दूर पर दिल में हमेशा हमारे पास हो कैसी है ये दूरी कैसी मजबूरी मैंने नजरों से तुझे छू लिया ओह कब तेरी खुशबू कब तेरी बातें बिन मांगे ये जहां पा लिया तू ही दिल की है रौनक तू ही जन्मों की दौलत और कुछ ना जानूं बस इतना ही जानूं जिनके केसों में चांदी और दिल में सोना है जिनके रातों की कहानियां सिर्फ सपनों में हमें खोना है
उन्हें हम बड़े प्यार से नाना नानी कहते हैं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। वो तुमके तजुर्बे के सामने हमेशा छोटे ही रहेंगे। अब दादाजी के तो गेम हो गए, खेल हो गए, दादाजी अपने बचपन में लौट गए। और दादी और नानी हमसे नाराज हो गई, बोली आपने हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं, और वैसे भी महिलाएं हमारे देश में किसी से कम हो रही हैं। तो अब हम अपनी दादी और नानी जी को यहाँ आमंत्रित करेंगे कुछ अपना बचपन वापस लाने के लिए। तो शालिनी मैम और हिमानी मैम, जैसे उन्होंने दादाजी को और नाना जी को गेम खिलवाए, अब वो ऐसी ही गेम के साथ हमें भी मिला। हम भी बच्चे हैं आज, आज हम भी बच्चे हैं। तो इसी बारे में एक मैं गीत सुनाना चाहती हूँ, आपको अच्छा लगे तो तालियां बजाना प्लीज। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मेरा देश महान भारत। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा।